इच्छाधारी नागिन। दिल्ली के दिल्ली रिज नाम से मशहूर घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन का आज भी निवास है। एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर कैद वो नागिन अपने बदले की आग में झुलस रही है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, नागिन का गुस्सा इतना तेज होता है कि वो अपने बदले को पूरे किए बगैर चैन की सांस नहीं लेती। दुश्मनों को वो कभी बख्शती नहीं है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला दिल्ली के इस जंगल में। जानने वालों ने बताया कि आज से करीब 400 साल पहले राजेंद्र नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ, जिनमें उनके और दो भाई और माता पिता, सब मिलकर दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली के दिल्ली रिज नाम से मशहूर घने जंगल में अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने निकले। वहां आसपास के परिसर में कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं, जिन्हें देखने पर्यटक अक्सर आया करते हैं। उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी। उस दिन नागिन का नाग किले के पास ही था, जहां राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक सामने नाग को देखकर राजेंद्र और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने पास ही पड़े कुछ पत्थर उठाकर उनसे नाग को मार डाला। फिर शाम ढलते ही राजेंद्र और उनके दोस्त अपने अपने घर चले गए। उधर नागिन अपने नाग के वापस ना लौटने पर उसे ढूंढते हुए उस किले के पास पहुंची। वहां उसने अपने नाग के मृत शरीर को पाया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं, नागिन मरे नाग की आंखों में देखकर उसके कातिल का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे कर नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया। राजेंद्र को भी मौका देख नागिन ने डसा और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतने से उसके बदले की आग ठंडी नहीं हुई। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और एक दिन उसने राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को भी मार दिया। बदले की आग में एक जान और चली गई। अपने दोनों बेटों की मौतों पर राजेंद्र के माता पिता बहुत दुखी हो गए। उन्हें चिंता होने लगी। अब उनकी एक ही संतान बची थी। सांप के द्वारा उनके दोनों बेटों की मौत हुई थी, तो वे समझ गए कि कोई सांप उनके पूरे परिवार का विनाश करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ही ख्याति पाए हुए था। उसे कई वेद विद्याओं का भी ज्ञान था। राजेंद्र के माँ बाप उस साधु के पास अपने बेटे को ले गए और उन्होंने सपेरे को सारी बातें बताई। शंकर बाबा अपने विद्या के द्वारा पता लगाकर बोले कि तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने नाग हत्या की है। उसने एक नाग को मारा था। बदले की आग में जल रही उसकी नागिन तुम्हारे वंश को खत्म करने पे तुली है। अगर तुम अपने बेटे को उस नागिन से बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हम उस नागिन का बंदोबस्त कर देंगे। उसके बाद वे उन्हें उसी बरगद के पेड़ के पास ले गए, जहां वो नागिन रहती थी। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बिठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और खुद नागिन के इंतजार में पास की झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने आई, बाबा सामने आ गए। बाबा ने तुरंत गरुड़ा मंत्र का जाप करते हुए मंत्र शक्ति से उस नागिन को उस बरगद के पेड़ में ही कैद कर लिया और इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच पाई। कहते हैं, आज भी वो नागिन उसी बरगद के पेड़ में कैद है। और दिल्ली के इस जगह, जिसे दिल्ली रिज कहते हैं, इस घने जंगल में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाज आती है। दिन हो या रात, कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।